वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट टैबलेट। जैसे कि हमको पता है कि लास्ट लेक्चर में हमने बात की टैबलेट्स की, तो आज हम टैबलेट्स में ही बात करेंगे, कुछ आगे फर्दर जो हमने नेक्स्ट लेक्चर में किया था जहां तक उससे कुछ आगे बात करेंगे टैबलेट्स के बारे में। तो आइए कुछ पहले लास्ट लेक्चर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आई रिक्वेस्ट टू वंस अगेन प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपसे ही मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, ताकि मैं कुछ और अच्छा लेकर के आ सकूं। तो आइए बात करते हैं टैबलेट्स के। तो सबसे पहले हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी टैबलेट्स की डेफिनेशंस के बारे में। तो डेफिनेशन क्या होती है टैबलेट की? जैसे कि आपको पता है कि टैबलेट्स आप नॉर्मली लाइफ में यूज़ करते हैं, टैबलेट सबको पता है। तो सबसे पहले जानते हैं उसकी डेफिनेशंस क्या होती है। टैबलेट इज अ सॉलिड यूनिट डोसेज फॉर्म विच कंटेन मेडिकामेंट और मिक्सचर ऑफ मेडिकामेंट्स एंड एडिटिव्स and compressed or mould in a solid cylindrical shape, either having a flat or convex shape. तो ये थी हमारी डेफिनेशन। फिर हमने बात की थी उसके एडवांटेजेस में। एडवांटेजेस में हमने बात की थी कि जो हमारी टैबलेट होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, वो ईजी टू एडमिनिस्टर, मतलब ऐसी होनी चाहिए कि हम उसको आसानी से एडमिनिस्टर कर सकें, ईजी टू कैरी, आसानी से एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जा सके, ईजी टू फिजिकल एंड केमिकल स्टेबिलिटी उसकी ईजी होनी चाहिए। ये हमने बात की थी उसके एडवांटेजेस के बारे में। फिर हमने बात की थी उसके डिसएडवांटेजेस के बारे में। डिसएडवांटेज में हमने बात की थी उसके कि जो हमारी बायोअवेलेबिलिटी होती है टैबलेट की वो क्या होती है, वो कम होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो उसका डिसइंटीग्रेशन होता है और डिसोल्यूशन रेट होता है वो क्या होता है, वो थोड़ा कम होता है, जो थोड़ा टाइम लेता है। उस वजह से उसकी जो बायोअवेलेबिलिटी होती है वो बायोअवेलेबिलिटी जो होती है वो क्या कम होती है, क्योंकि वो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में कम पहुँच पाती है, इसलिए क्या उसकी बायोअवेलेबिलिटी कम होती है। फिर हमने बात की थी कि जो हमारी टैबलेट्स होती है वो क्या करती है, वो इरिटेशन कॉज करती है एनजाइटी एंड म्यूकस मेम्ब्रेन में। फिर हमने बात की थी उसके गुड क्वालिटीज़ ऑफ वर्ड, मतलब क्या कि मतलब क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए हमारी एक अच्छी टैबलेट के लिए। तो उसमें हमने बात की थी कि मतलब जो हमारी टैबलेट होनी चाहिए वो एक्यूरेट वेट होना चाहिए, कि मतलब अगर हमने 10 टैबलेट बनाई है तो 10 टैबलेट का जो हमारा वेट होना चाहिए वो सब में एक्यूरेट होना चाहिए। फिर हमने बात की थी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारा API होना चाहिए, जो ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए वो सब में इक्वल होना चाहिए। फिर हमने उसमें बात की थी कि मतलब जो हमारी अपेरेंस के बारे में बात की थी कि उसकी अपेरेंस क्या होनी चाहिए, सब ऐसी होनी चाहिए कि वो हमें देखने में अच्छी लगे अपेरेंस। फिर हमने उसमें बात की थी कि मतलब उसकी अपेरेंस के बारे में बात की थी, और बात की थी उसके मतलब उसका साइज और मतलब उसकी शेप क्या होती है, रिजनेबल होनी चाहिए ताकि वो आसानी से एडमिनिस्ट्रेट की जा सके। और फिर हमने उसमें बात की थी कि मतलब क्या वो इनकम्पिटिबल होनी चाहिए, मतलब क्या इनकम्पिटिबल मतलब ऐसी हो कि कम्फर्टेबल हो किसी दूसरे एडिटिव्स के साथ या एक्सीपेंट के साथ, कम्पिटिबल हो ना कि इनकम्पिटिबल हो। ठीक है, तो अब बात करते हैं उससे कुछ नेक्स्ट फर्दर पॉइंट, इसमें क्वालिटीज ऑफ गुड टैबलेट के कुछ फर्दर पॉइंट है। तो उसमें पहले पॉइंट बात करते हैं, दे शुड बी फिजिकली एंड केमिकली स्टेबल ड्यूरिंग स्टोरेज, मतलब कि क्या अगर हमने किसी प्रोडक्ट को बना करके टैबलेट को बना करके तैयार करके स्टोर में रख दिया, तो उसको क्या होना चाहिए, उसकी स्टोरिंग के दौरान उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, उसकी स्टेबल होनी चाहिए। फिर हमने बात की थी फिर दे शुड नॉट बी ब्रेक ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट और इन द हैंड ऑफ पेशेंट, मतलब क्या होगी कि हमारी जो ड्रग होनी चाहिए वो इस तरह से बनाई जाए ताकि क्या हो कि ट्रांसपोर्ट करने पे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने पर ब्रेक ना हो, और या पेशेंट के हाथ में ही ब्रेक ना हो, कुछ ऐसी बनाए, और क्या इतनी भी हार्ड ना बनाए कि मतलब उसका डिसइंटीग्रेशन डिसोल्यूशन होने में प्रॉब्लम हो। तो मतलब क्या एक मीडियम हो बीच में ताकि ट्रांसपोर्टेबल में ना टूटे या पेशेंट के हाथ में भी ना टूटे, और मतलब इतनी भी हार्ड ना हो कि मतलब डिसइंटीग्रेशन ना हो या डिसोल्यूशन ना हो। ठीक है, और क्या देयर शुड बी अट्रैक्टिव अपीयरेंस, मतलब क्या हो कि हमारे जो हम ड्रग बनाते हैं मेडिसिन बनाते हैं हम टैबलेट बनाते हैं, मतलब ऐसी अपीयरेंस होनी चाहिए उसकी, मतलब हमको देखने में अच्छी लगे वो, तो उसको क्या कहते हैं अपीयरेंस हो जाए। फिर आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन इट शुड बी एडमिनिस्टर्ड रेडिली, मतलब क्या इट शुड बी डिसइंटीग्रेटेड रेडिली, मतलब क्या कि मतलब जो टैबलेट होती है वो ऐसी होनी चाहिए हमारी कि मतलब जब उसको हम एडमिनिस्टर्ड करें वो क्या आसानी से डिसइंटीग्रेशन हो जाए। डिसइंटीग्रेशन का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़े में अपने पार्टिकल्स में टूट जाना, उसको हम कहते हैं डिसइंटीग्रेशन। फिर बात करते हैं दे शुड बी इजी एंड इकोनॉमिकल इन प्रोडक्शन, मतलब क्या होना चाहिए हमारी टैबलेट ऐसी होनी चाहिए मतलब आसानी से बन जाए और मतलब उस पर ज़्यादा खर्चा भी ना आए, मतलब चीप हो हमारी सस्ती हो। फिर बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ टैबलेट की। टाइप्स ऑफ टैबलेट में हम बात करेंगे कंप्रेस टैबलेट की, और कंप्रेस टैबलेट के जो सब पार्ट है उसमें है कोटेड टैबलेट और अनकोटेड टैबलेट। तो कंप्रेस टैबलेट का मतलब होता है जो हमारे कंप्रेस करके बनाए गए, मतलब दबाव कर कुछ दबाव डाल करके कंप्रेस करके बनाए गए, उनको हम कंप्रेस टैबलेट कहते हैं। फिर बात करते हैं उसमें कोटेड टैबलेट की। कोटेड टैबलेट में सबसे पहले सब पॉइंट है उसका शुगर कोटेड टैबलेट। शुगर कोटेड टैबलेट में क्या होता है
कि हमने क्या हमने कोई टैबलेट बनाई तो मतलब इसका उसका जो उसका टेस्ट है वो बहुत ही कड़वा है, सोर है या है, तो उसको मास्क करने के लिए, टेस्ट को मास्क करने के लिए हम उस पर क्या करते हैं, शुगर की कोटिंग कर देते हैं ताकि उसका टेस्ट हमें को कड़वा ना लगे, ताकि वो लेने में अच्छी लगे, कि बच्चे भी और बूढ़े उसको आसानी से ले सके। तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम शुगर कोटिंग टैबलेट कहते हैं, फॉर टेस्ट मास्क ऑफ टेस्टिंग, उसको मतलब उसके जो टेस्ट होता है उसको मास्क करने के लिए शुगर कोटिंग करते हैं। फिर बात करते हैं फिल्म कोटिंग, फिल्म कोटिंग का मतलब अपेरेंस वगैरह के लिए, अपेरेंस अच्छी करने के लिए उसकी, तो उसको हम क्या करते हैं, फिल्म कोटिंग टैबलेट कहते हैं। फिर बात करते हैं एंट्री कोटेड टैबलेट, एंट्री कोटेड टैबलेट क्या होती है, एंट्री कोटेड टैबलेट हमारी वो होती है जो मतलब हमारे स्टमक का जो पीएच होता है, एसिडिक पीएच होता है, उसमें क्या, उसमें डिसइंटीग्रेशन नहीं होता, उसमें नहीं होता, उसका डिसइंटीग्रेशन कहाँ पे जाकर होता है, हमारा इंटेस्टाइन में जाकर के होता है, वो डायरेक्ट स्टमक से पास होकर के इंटेस्टाइन में जाती है और वहाँ पे उसका डिसइंटीग्रेशन होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको एंट्री कोटेड टैबलेट कहते हैं। एंट्री कोटेड कैप्सूल्स भी आते हैं जैसे। अब बात करते हैं अनकोटेड टैबलेट्स की, अनकोटेड टैबलेट में क्या होती है, अनकोटेड टैबलेट में इसके कुछ सब पॉइंट है, मल्टीपल कंप्रेस्ड टैबलेट, मल्टीपल कंप्रेस्ड टैबलेट क्या होती है, मल्टीपल कंप्रेस्ड टैबलेट में ऐसा होता है कि मतलब जो हमारा एपीआई होता है उसको क्या करते हैं, एपीआई होता है उसको क्या, उसको सेंटर में रख करके उसके ऊपर कोटिंग कर देते हैं, फिर क्या करते हैं, फिर दोबारा से उसके ऊपर हमने सेंटर में रखा हमारा एपीआई, फिर उसमें क्या हमने कोटिंग की, उस पर किसी एक्सपीरियंस किया, किसी शुगर कोटिंग किया, फिल्म कोटिंग की, फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद फिर से दोबारा से हम क्या करते हैं उस पर, फिर दोबारा से उसके बाद ऊपर कोटिंग करते हैं एपीआई की, अपने ड्रग की कोटिंग करते हैं, फिर दोबारा से उसके ऊपर क्या करते हैं, फिर उसमें एपीआई किया, किसी एडिटिव्स की कोटिंग कर देते हैं, तो उसको क्या करते हैं, मल्टीपल मतलब एक से ज़्यादा लेयर होती है उसमें, ठीक है। फिर बात करते हैं प्रोलॉन्ग एक्शन टैबलेट, प्रोलॉन्ग एक्शन का टैबलेट का मतलब होता है जो लंबे समय तक हमें क्या हमें एक्शन शो करें, उनको हम प्रोलॉन्ग टैबलेट कहते हैं। जैसे कि प्रोलॉन्ग एक्शन टैबलेट्स में भी क्या होता है, प्रोलॉन्ग एक्शन टैबलेट में भी यही होता है, उसमें क्या, उसमें मल्टीपल कोटिंग होती है, पहले एडिटिव्स, पहले सबसे पहले हमारा एपीआई होता है कोर में, फिर उसके बाद क्या करते हैं, फिर एडिटिव्स की किसी शुगर कोटिंग करते हैं या किसी एक्सीपेंस कोटिंग करते हैं, फिर दोबारा से उस पर हमारे एपीआई की कोटिंग, मतलब क्या उस पर मल्टीपल लेयर होती है ताकि वो आसानी से एक के बाद एक लेयर क्या होते हैं, डिजोल्व होते रहे, डिसइंटीग्रेट होते रहे और हमारा एक्शन लंबे समय तक एक्शन आता रहे, उनको हम कहते हैं, उनको हम प्रोलॉन्ग एक्शन टैबलेट कहते हैं। फिर बात करते हैं सोल्यूबल टैबलेट्स की, सोल्यूबल टैबलेट्स क्या होती है, सोल्यूबल टैबलेट्स क्या होती है, आसानी से सोल्यूबल हो जाए, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम सोल्यूबल टैबलेट्स कहते हैं। फिर बात करते हैं डिस्पर्सिबल टैबलेट की, डिस्पर्सिबल टैबलेट्स में क्या होते हैं, डिस्पर्सिबल टैबलेट आर दोज टैबलेट्स विच कैन इजीली डिसॉल्व, विच कैन इजीली डिसॉल्व इन अ वाटर और एनी अदर सॉल्वेंट, फॉर एग्जांपल एस्पिरिन, एस्पिरिन इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ डिस्पर्सिबल टैबलेट। नाउ नेक्स्ट इज एफर्वेसेंट टैबलेट, एफर्वेसेंट टैबलेट आर दोज टैबलेट विच लिबरेट CO2 ऑन डिसॉल्यूशन, मतलब क्या होगा, जैसे ही कोई टैबलेट्स को हम वाटर में डालेंगे तो क्या होगा, एकदम से क्या करेंगे, CO2 लिबरेट करेगी, उनको हम क्या कहते हैं, एफर्वेसेंट टैबलेट। फॉर एग्जांपल डिस्प्रिन, डिस्प्रिन इज अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ एफर्वेसेंट टैबलेट। नाउ नेक्स्ट इज लोजेंजिस, लोजेंजिस मींस एज यू नो दैट एज यू सी एज यू सीन, क्या आप जैसे आपने देखा हो कि मतलब जो विक्स गोली आती है जिसको आप मुंह में रख के चूसते हैं उसको हम कहते हैं लोजेंजिस टाइप, मतलब क्या टॉफी टाइप में आती है उनको हम लोजेंजिस कहते हैं। तो गाइस इस लेक्चर में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे फर्दर टाइप्स की, बात करेंगे अनकोटेड टैबलेट्स की, जैसे कि हम बात करेंगे च्यूएबल टैबलेट की बात करेंगे और बात करेंगे बकल और सबलिंगुअल टैबलेट्स की बात करेंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इसके कुछ फर्दर टाइप्स की, तो तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एंड यू हैव एनी डाउट एंड यू कैन यू वांट टू गिव एनी सजेशन तो यू कैन कमेंट।